चलने वाली है कि इनकी मम्मी ने हमें बात करते वक्त, अब क्या समझ आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ था बात करते वक्त, और इन्होंने बहुत मार खाई अपनी मम्मी से। हेलो दोस्तों, मैं मोहन चौधरी, मैं अनुराधा चौधरी, आप सभी का स्वागत है हमारे हमारे चैनल चैनल राधा राधा मोहन मोहन ब्लॉग्स ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आप सभी के डिमांड पे ये वीडियो आ रहा है, और हमारी लाइफ की शुरुआत यानी कि हमारी जो लव स्टोरी की जर्नी थी वह कहाँ से शुरू हुई, तो उसका आज हम लोग पूरा डिटेल में सब बताएंगे। और यह वीडियो मतलब ये सीरीज पूरा पार्ट में होने वाला है, जैसे पार्ट वन पार्ट टू। अगर आप इस वाले पार्ट को ज़्यादा प्यार देंगे तो हम अपने लाइफ से जुड़ी यानी कि हम लोग अपने गांव में कहाँ से मिले, कहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे कैसे हम यहाँ तक आए, तो सब आपको मिलेगा हमारे चैनल पर देखने के लिए। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे आने वाला जो पार्ट होगा वो आपसे मिस ना हो। और जो लव स्टोरी हम लोग की है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सैड भी होने वाले, क्योंकि कुछ खुशी भी हुई कुछ गम भी था, इस बीचों में बहुत सारी कठिनाइयां हम लोग को झेलने पड़ी। तो वही चालू करने जा रहे हैं, तो राधा जी बताएंगी, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग मतलब बताएंगे कि हम लोग पहली बार इनको हम कहाँ देखे थे और कहाँ मिले थे। आप लोग को तो इतना पता है कि हम लोग एक ही गाँव के हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ देखे हुए गाँव में देखोगी। तो दोस्तों, हमारे मतलब घर के सामने एक स्कूल है, तो ये वहाँ पे आते थे। मतलब हमारे घर के सामने बहुत बड़ा मतलब फील्ड है, स्कूल है, तो वहाँ पे लोग मतलब लड़के लोग बहुत गांव के सब लोग वहाँ पे मतलब मैच खेलने के ना खेलने आते थे। और ये कभी कभी मेरे घर पे भी आते थे, मेरी मम्मी पहले मतलब मेरे घर में इनके घर पे हम काम करने जाते इनके थे। इनके घर में बहुत मतलब अच्छा व्यवहार था, संबंध था। तो ये मेरे घर में कोई मतलब आदमी काम करने वाले नहीं थे, मेरे पापा बाहर रहते थे और हम लोग बहने बस हैं। तो जब वैसा काम रहता था ज़्यादा, तो इनके घर से मतलब मेरी मम्मी बुलाती थी इनको, तो याद। तो जैसे कि दोस्तों, खेतों में पानी चलाना हुआ या फिर और सारे काम, खेत में खाद डालना हुआ, और इनके घर पे इंजन नहीं था तो कभी कभी मैं अपना इंजन लेके जाता था, पानी पैसा लेते थे इनसे और चलाते थे। जैसे आलू हुआ, आलू में माटी चढ़ाना, फिर आलू में खेतों में दवा डालना, ये सब काम करने जाते थे। तो दोस्तों, ये सब काम जब करने जाते थे तब इनके और हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं था, हम वैसे ही जाते थे। और जो स्कूल पे घूमने की बात थी वो तो सब लड़के जाए तभी इनके घर से हमारे घर से कोई रिलेशन, मतलब इनके घर से था, हमारे इनके बीच कोई रिलेशन नहीं था। हम सिर्फ देखते थे, और हमारे साथ ये क्लास 6 तक पढ़ी भी हैं। तो हम पहले सबसे पहले हम मुंबई रहते थे, उसके बाद हम लोग गांव में गए, तो जहाँ पे तब इनको हम नहीं पहचानते थे। तो उसके बाद जब ये दूसरे स्कूल में गई तो वहाँ पे गांव का एक लड़का था, तो वहाँ पे दोस्तों मजाक मजाक में बात हुआ। एक्चुअली बताया दोस्तों, इनसे हमारा लव स्टोरी जो शुरू हुआ था वो मजाक मजाक में ही शुरू हुआ था। हाँ, और एक लड़का था, तो मतलब मेरे घर के सामने एक दुकान भी था, ये वहाँ पर भी आकर बैठते थे। तो लड़का जब आया, जब वो लड़का आया तो ये लोग मतलब ये थी, और इनकी तीन बहनें थी, एक इनके चाचा की लड़की और दो इनकी सगी बहनें थी। तो लोग पढ़ के आ रहे थे खेत के रास्ते, हम लोग दोपहर को जाके खेत में बैठते थे। तो उस दिन इनका जल्दी छुट्टी हो गया, दोपहर के 2 बजे ही। तो लड़का बैठा है, तो बातों बातें हुआ, तो बोलता है इसको मैं नंबर दे दूँगा, मतलब मोबाइल नंबर मैं दे दूँगा। तो मैं बोला ठीक है, तुम्हारे में अगर हिम्मत है तो ले जाओ, ये मेरा नंबर दे दो। वो लड़का ले जाके, जब वो भी इनके क्लास में ही पढ़ता था, हमारे गांव का ही था, तो हो गया 2 दिन बाद दे दिया इनको। तो 2 दिन बाद दिया, तो तीसरे दिन इनके खेत में हम काम करने गए, तो ये बहुत गुस्से से देख रही थी। हमको लगा लगता है अपनी मम्मी को बता देंगे और डांट सुनने को, लेकिन कुछ नहीं हुआ दोस्तों। और कितने दिन बाद फ़ोन की थी आप? नहीं दोस्तों, एक बार नंबर दिए थे तो मैंने फ़ोन नहीं किया था। इनके चाचा का एक छोटा सा लड़का था ना, पहले उससे नंबर भिजवाए थे मेरे घर पे, तो वो लेकर आया था, तो हम फोन नहीं करे था। हम उस बार नंबर फाड़ कर फेंक दिए थे। अब हमको मतलब ये सब करने में बहुत डर लग रहा था। तब दूसरी बात ये मतलब इनके दोस्त से मतलब दोस्त ही थे ना, गांव के थे, गांव के ही थे, दोस्ती बहुत इनके साथ में वो रहते थे और हमारे एक क्लास में हम लोग के साथ में वो पढ़ते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताएं, उम्र में हमसे छोटे थे, लेकिन अगर ये क्या बोलते हैं रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे चाचा लगते थे और गांव में जितने भी लोग थे, अगर मतलब उम्र या हाइट में या फिर उम्र में देखा जाए तो सब हमसे छोटे हैं, लेकिन सब हमारे
चाचा बाबा ये लगते हैं, मतलब रिलेशन के तौर पे देखा जाए तो हम लोग के सब जो हमारे साथ घूमने वाले दोस्त थे वो सब हमारे चाचा या बाबा ही लगते थे, यानी कि हमारे पिताजी के भाई या फिर हमारे पिताजी के बाबा ऐसे कुछ लगते थे, चाचा ही ये सब लगते थे। तो उन्हीं के साथ घूमना हमारा था नहीं, क्योंकि हम पहले भी मुंबई में 10 साल रह चुके हैं, हम सब पूरी फैमिली हमारी मम्मी पापा सब लोग मुंबई में रहते थे। तो अचानक से दादी जी एक हमारी बूढ़ी दादी जी एक्सपायर हुई तब गांव में गए, वहीं पर सब लोग सेटल हो गए, उसका सिर्फ पापा ही आते थे और पापा ही ऐसे हमारे गुजरात में रहते हैं। तो इन्होंने नंबर दिया, फिर दोबारा जब नंबर दिया तो मैं उसको रखती थी, नंबर रखती थी, मैं फ़ोन नहीं करती थी, तो आते थे मेरे दुकान के सामने देखते थे, सब लोग दुकान के सामने आते थे देखते थे। तो ऐसे देखते देखते मतलब थोड़ा मतलब प्यार आ गया। और दोस्तों एक और लड़का था हमारे साथ, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, वो इनकी बहन से बात करने लगे, मतलब सगी बहन नहीं थी, मेरी चाचा की लड़की जो मेरी मतलब बहुत मेरी बहुत खास मतलब एक समझिए फ्रेंड थी वो थी। तो हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई दोस्तों मजाक में स्टार्ट हुई थी, और तब एक बार मैं अपनी मम्मी के मोबाइल से फ़ोन की, उसके बाद पता है एक बार दो बार जो मजाक में फ़ोन पे बात कर लेता है तो उसको मतलब उसी चीज़ की लत लग जाती है, तो एक दूसरे से मतलब बात करने लगे धीरे धीरे, हफ्ते में एक बार बात एक दो बार बात हो जाती थी बहुत था, क्योंकि इनकी मम्मी का मोबाइल था, मेरी मम्मी मोबाइल घर पे नहीं रखती थी, अपना मोबाइल अपने पास ही रखती थी, और हमारे पास भी मोबाइल घर का ही था उस समय, हमारे मतलब कॉलेज का समय था तो घर का ही मोबाइल से काम चला था, मोबाइल तब नहीं था उसके, जस्ट हम एक दो महीने बाद मोबाइल ख़रीदा था हमने। तो ऐसे ही यानी कि समझ लीजिए मजाक में हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और आज कितना बड़ा रूप ले लिया है कि आप देख ही सकते हैं। और मेरा एक आज इतना बड़ा हम लोग की लव स्टोरी इतने आगे तक आ गई कि मेरा एक बच्चा भी हो गया 2 साल का। तो हमारी लव स्टोरी यहीं से स्टार्ट हुई और आगे आप सभी को और इंटरेस्टिंग बातें देखने को मिलेंगी, हमारी लाइफ में बहुत सारी अजीबो गरीब कहानियाँ हुई है तो सब आपको वीडियो में पता चलेगा। तो आज का जो ये पहला पार्ट था तो हम लोगों ने बताया कि हमारी लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है, और आप सभी को अभी स्कूल की बातें फिर गांव में क्या क्या होता है ये सब बातें तो बाकी हैं, तो वो सब आपको तो नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग लगेगा इस पार्ट को अच्छा प्यार दे दे तो आने वाले पार्ट में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चलने वाली है कि इनकी मम्मी ने हमें बात करते वक्त अब क्या समझ आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ था बात करते वक्त, और इन्होंने बहुत मार खाई अपनी मम्मी से। तो आज का ये लव स्टोरी पार्ट 1 यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लव स्टोरी पार्ट के साथ। अगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो और अच्छा इंगेज आता है वीडियो पे तो आने वाले पार्ट में आप सभी को और इंटरेस्टिंग बातें अपनी लव स्टोरी के बारे में कमेंट करिएगा तो बताएंगे, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा तो हम मतलब नेक्स्ट पार्ट बताएंगे अपने बारे में, फिर उसके बाद हम लोग के साथ क्या हुआ कैसे हुआ तो, और ऐसा भी बताएंगे कि हम लोग मतलब बात ही करते थे कि हम लोग रिलेशनशिप में भी थे ऐसा, और कितने दिन बाद तो ये सब आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पहले सबसे ज़्यादा शेयर करके हम लोग का सपोर्ट करिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ, दीजिए हमें इजाज़त, जय हिंद, वंदे मातरम।